आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें दिया गया है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2.3 एवं -6.7 है तो उसके केंद्र का नियामक होगा। और यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, -2.5, 2.-5, 2.5, 3.5। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं और हमें दिया गया है उसके व्यास के सिरों के नियामक। मान लेते हैं यह एक व्यास है उसका और इनके निर्देशांक दिए हुए हैं, ये ए है, ये बी है। ए दिया हुआ है 2.3 और बी दिया हुआ है -6.7। अब हमसे पूछा गया है कि उसके केंद्र का नियामक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि व्यास केंद्र से होकर निकलता है और व्यास के दोनों सिरे केंद्र को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। मतलब केंद्र जो है एक व्यास के दोनों सिरों को बराबर हिस्सों में बांटता है। इसका मतलब केंद्र इन दोनों का मध्य बिंदु होगा। तो हम जानते हैं कि यदि कोई रेखा इस प्रकार है, जो ए है, यह बी है और ये ओ, तो अगर ये x1.y1 दिया है और ये x2.y2 दिया है तो ये जो ओ का मध्य बिंदु होगा, ओ जो मध्य बिंदु होगा उसका नियामक इस प्रकार दिया जाएगा, x1+x2/2, y1+y2/2। तो यहाँ पर केंद्र का नियामक होगा ओ, x3.y3, ये होगा 2-6, यहाँ पर 2+-6/2, 3+7/2। तो इस प्रकार ये होगा -4/2, -2, 7 और 3, 5, 10/2, 5। तो इस तरह हमारा केंद्र के नियामक होंगे -2.5। तो हमारा ये आंसर सही है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।